हाय इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ओके ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच टू स्टडी द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये हम मेनली इस इस वीडियो में समझेंगे जिसमें सबसे पहले हम अथॉरिटी को समझेंगे कि ऑथोरिटी क्या होती है उसके बाद व्हाट आर दी फैक्टर्स ओके दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लेजिटिमेसी तो लेजीमेटिस के लिए कौन से कौन से फैक्टर्स जरूरी होते हैं ठीक है ये हम समझेंगे देन हम डिटेल में ब्यूरोक्रेटिक्स मॉडल को समझेंगे जिसमें कैटरिस्टिक क्या है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के फीचर्स मेरिट एंड इम्पैक्ट ये सभी चीज़ें हम इस अभी इस टॉपिक में समझेंगे देखिए पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने मेनली तीन वर्ड को समझा था दैट इज अप्रोच मॉडल एंड थेरिस अप्रोच क्या होता है कोई ओरिएंटेशन किसी भी चीज़ का ओरिएंटेशन ओके द वे टू अप्रोच द थिंग ठीक है एक तरीका होता है वो हम थ्रू अप्रोच समझते हैं देन मॉडल क्या होता है जो किसी चीज़ को डिफाइन करता है उसकी उसको क्लासीफाई करता है आफ्टर डिफाइनिंग ओके उसको प्रॉपरली डिफाइन करने के बाद क्लासीफाई करता है दैट इज मॉडल ओके एंड थेरिस क्या होता है आफ्टर आफ्टर डिफाइनिंग क्लासीफाई करने के बाद हम फिर क्या करते हैं उसके ऊपर हाइपोथेसिस करते हैं okay? ओके हाइपोथिस करते प्रेडिक्ट करते तो दैट इज दी थ्योरी तो ये तीन वर्ड को हम डिटेल में पिछले वीडियो में समझाता तो चलिए शुरू करते अभी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ठीक है देखिए मैक्स वेबर वाज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जो मैक्स वेबर थे वो कौन थे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे हु क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ आइडियल टाइप मॉडल्स तो उन्होंने काफी आइडियल टाइप मॉडल ही वॉज अ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट सर्टन रिलेशनशिप एंड इवेंट पॉटेंट टू देम तो जो जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे मैक्स वेबर वो कौन थे हिस्टोरिकल सोशोलॉजिस्ट थे जो मेनली पास्ट ओके अलग अलग देशों के पास्ट के बारे में जानते थे और उनको इस उनको लॉजिकली समझते थे ठीक है हमें सबसे पहले authority को समझना है जो कि mainly Weber द्वारा दिया गया है है ठीक इस कॉन्सेप्ट को किसने क्लियर किया वेबर ने सो ऑथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वेबर इट इज अ प्रोबिलिटी दैट कमांड ओके विद अ गिवन स्पेसिफिक कंटेंट विल बी ऑबे बाई अ ग्रुप ओके गिवन ग्रुप ऑफ पर्सन ठीक है तो कि किसी ग्रुप पर्सन द्वारा ओबे किया जाने वाला कमांड दैट इज अथॉरिटी द नोटेशन ऑफ अथॉरिटी एज गिवन बाय क्लासिकल थिंकर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सच एज हेनरी फायोल एंड मारवे वॉल्कर इन्होंने भी अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है ओके दिस आर द क्लासिकल थिंकर्स ओके

कि ये कौन होते कोई लीडर होते जो मेनली उन, उनके पास लीगल ऑथॉरिटी होती है कन्वेंशनली और एज हेड एज हेड पोजिशन हेड एज अ मतलब सोशल सिस्टम में एज हेड खुद को पजेस्ट करते हैं और अपने सब्जेक्ट को उनके जो सपोर्डेंट है उनसे अपना ऑर्डर ओबे करवाते ओके ओके, सो दिस इज मेन ऑथोरिटी दैट वाज गिवन बाय दी फायोल एंड मार्वे वॉलकल सो लेकिन वेबर डिड नॉट सब्सक्राइब धिस व्यू पॉइंट लेकिन वेबर इसको सपोर्ट नहीं करता है ही लुक एट ऑथोरिटी फ्राम इट्स एक्सेप्टन व्यू पॉइंट उनके उनका जो व्यू पॉइंट था रिलेटेड टू ऑथॉरिटी दैट इज एक्सेप्ट ओके मीनिंग देयर बाय दैट ऑथॉरिटी विल बी प्रीजूम टू एग्जिट ओनली वेन इट इज एक्सेप्टेड बाई द पर्सन टू हू टू हू टू हू कमान इज मेड जिनके लिए कमान बनाया गया है वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करता है दैट विल नॉट बी द अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द वेबर सपोज सपोज दे डू नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर देन ऑथरिटी नॉट डज डज नॉट सीम टू एग्जिट अगर जो ऑबे करने वाला जो व्यक्ति अगर उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो फिर वो अथॉरिटी नहीं रह जाती है दस ऑथॉरिटी इज अ रिलेशनशिप एंड इज डिटरमाइंड बाय गिवर डिटरमाइंड बाय अ गिवर ज वेल एज द रिसीवर तो जो अथॉरिटी है वो मेनली दो लोगों का रिलेशनशिप है दो लोग कौन एक तो गिवर जो अथॉरिटी देता है एंड रिसीवर जो अथॉरिटी रिसीव करता है ऑफ द ऑर्डर मोर सो बाय द लेटर और ये सबसे ज्यादा डिपेंड किसको करता है लेटर दैट इज रिसीवर अगर जब तक रिसीवर उस अथॉरिटी को रिसीव नहीं करेगा देन इट विल नॉट बी दथोरिटी ओके सो दिस इज डेफिनेशन गिवन बाई देबर एंडल एंड मैरी हार्वी वालकर हेनरी फायल एंडकर इन्होंने क्या कहाथोरिटी इज अगल बायस जो कि सब्जेक्ट को मानना पड़ता है ये हो गया अ पर्सन हुनली वेन ही कंसिडर इट लेजिटिमेट ओके और वर्दी तभी वो पर्सन क्या करता है ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करता है of being accepted and दिस लेजिटिपेंड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स तो मेनली ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दैट पर्सन विल एक्सेप्ट दथोरिटी और नॉट एंड दिस विल भी डिपेंड ऑन दिस थ्री फैक्टर्स तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है द फर्स्ट इज रैशनल ग्राउंड सेकेंड इज ट्रेडिशनल ग्राउंड एंड थर्ड इज द क्या चारिस्मैटिक ओके चैरिसमैटिक ऑथोरिटी तो रैशनल ग्राउंड इसमें क्या होता है ऑथोरिटी बेस्ड ऑन लॉ एंड रैशनलिटी इज कॉल द लीगल रैशनल अथॉरिटी, इट रेस्ट ऑन बिलीफ इन लीगलिटी ऑफ नॉर्मेटिव रूल्स एंड अंडर सच रूल ठीक है तो ये लॉ एंड रैशनलिटी के बेस पे ये रैशनल ग्राउंड फॉलो होता है ओके इन सेंस ऑफ द ऑथोरिटी ट्रेडिशनल ग्राउंड के बेस पे जैसे अथॉरिटी रेस्ड ऑन बिलीफ इन इन देंसिटी ऑफ द ट्रेडिशन एंड द लेजिटि ऑफ

रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे लीगल रैशनल अथॉरिटी डिपेंड होती है देन ट्रेडिशनल अथॉरिटी ये डिपेंड होती है मेनली ट्रेडिशनल के बेस पे ओके देन कैरिसमेटिक अथॉरिटी और वी कैन से करिस्मेटिक अथॉरिटी इमर्ज फ्रॉम दी करिश्मा ऑफ अ लीडर देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जो लीगल रैशनल होता है जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है मेनली मतलब जहाँ पे ऑफिशियल ग्राउंड होता है वहाँ पे लीगल रैशनल होता है ठीक है जहाँ पे रूल रेगुलेशंस होते हैं जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लाइज हो तो उसमें जो ऑफिसर्स होगा वो मेनली लीगल रैशनल अथॉरिटी का यूज़ करेगा ठीक है देन ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हम देखते हमारे घर में भी जो जो एल्डर्स होते हैं ओके वो मेनली ट्रेडिशनल अथॉरिटी का यूज़ करते हैं ओके अपने घर में भी पेरेंट्स हो गए वो अपने बच्चों के ऊपर एज अ ट्रेडिशनल अथॉरिटी यूज़ करते ठीक है या हम किसी चर्च या कोई भी आ, किसी भी मंदिर में हो गया कहीं पे भी जो पंडित होता है या यहाँ पे जैसे चर्च में हो गया वहाँ पे भी इस टाइप से मतलब ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है मेनली हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं घर के साथ ओके घर में जैसे पेरेंट्स होते हैं देट इज़ द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ओके पेरेंट्स यूज देयर ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑन द देयर सन ओके और द चिल्ड्रन ओके देन कैरिसमेटिक अथॉरिटी जैसे लीडर हो गया अब कोई बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हो गई जिसमें जैसे महात्मा गांधी जी हो गए या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए ठीक है इस तरह से जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी होती है उनका भी ये उनकी मेनली ऑथॉरिटी किस में आती है ओके करिस्मेटिक ऑथॉरिटी के अंदर वो आते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से हम अलग अलग ऑथॉरिटी के थ्रू ये समझेंगे हम मेनली इस इसका जो यूज़ है ये सभी फैक्टर्स का जो यूज है मेनली हम किस लिए कर रहे हैं दिस फैक्टर्स आर यूज फॉर The legitimacy, okay, for the legitimacy. All three authority system have their respective administrative system. These administrative system are characterized by the features of their respective authority system. Thus, administrative staff of traditional authority is guided through traditional or conventional and lack of clarity defined job description.

एंड ऑफ द मेम्बर ऑफ दिस स्टाफ उसके अपने स्टाफ के सभी चीजें वो खुद देखता है जो कि मेन लीडर होता है थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेट थ्रू दिस पावर ओके सो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज अगल रैशनल अथॉरिटी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो क्या होती है मेनली लीगल रैशनल अथॉरिटी होता है जिसको ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है द कैरेटरिस्टिक ऑफ विच आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग सेक्शन देखिए अभी हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक पहला है द एडमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स आर सब्जेक्ट टू ऑथोरिटी ओनली इन देयर ऑफिशियल पोजिशन ओनली फॉर्मल ऑथॉरिटी इज कंसिडर लेजिटिमेट एंड नॉट द इन फॉर्मल ऑथॉरिटी ठीक है ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो अपनी ऑथोरिटी जो मेनली यूज करता है ओके okay, वो थ्रू ऑफिशियल पोजिशन ही कर पाता है ओके okay? देन Second is the all office in the administrative system are arranged in hierarchy. These positions are arranged in order to order of the importance of their official authority and responsibility in an ascending or descending order. However, at the top of the bureaucracy is a non bureaucratic or the elected representative of the people, and that will be the ministers. Okay. Then, third is the each office. ईच ऑफिस हैज डिफाइन एंड क्लियर कट कॉम्फिडेंस एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का जो कैरेटरिस्टिक है उसमें जो ऑफिसर्स होंगे उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर कट होंगी दे नो देअर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो द स्टाफ मेम्बर्स आर अपॉइंटेड थ्रू द फ्री सिलेक्शन प्रोसेस ओके जो भी स्टाफ मेम्बर रहेंगे वो क्या होंगे फ्री सिलेक्शन प्रोसेस से अपॉइंट किए होंगे देन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निकल कॉम्पिटेंस डिटरमाइन थ्रू सिस्टमैटिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो भी अपॉइंटमेंट होगा जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे वो थ्रू टेक्निकल कॉम्पिटेंस मतलब एक सिस्टमेटिक रूल एंड रेगुलेशन मतलब जो भी रूल है प्रोसीजर्स है उन्हीं के बेस पे उनका अपॉइंटमेंट होगा द स्पेशलाइज नॉलेज ऑन बेसिस ऑफ एंट्री इन टू ब्यूरोक्रेसी ओके कोई स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट है इसके लिए इट इज ऑल्सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ सुपेरिटी इन सिस्टम। अगर जितना ज़्यादा हायर एजुकेशन रहेगा उतना वो सुपेरिटी के ऊपर मतलब उसकी उसकी पोजिशन हायर रहेगी मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर पेड इन मनी ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स ग्रेडेड सैलरी स्केल पेंशन आर ग्रांटेड टू रिटायर ऑफिसर्स हुम स्पेसिफिक पीरियड लेट डाउन इन रूल एंड पर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ दच ऑफिसर्स ओके तो ये हो गया मेनली उसकी कैटिक ऑफ द ब्यूरोक्रेसी देन एट वन इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द मेम्बर ऑफ ब्यूरोक्रेसी ठीक है दे आर नॉट एक्सपेक्टेड और अलाउ टू एक्सेप्ट पार्ट टाइम और पैरल ऑक्युपेशन ठीक है तो जो इनका जो मेन ऑफिस होता है ब्यूरोक्रेसी का वो क्या होता है ऑफिस होता है There is a career system applicable to the officials of bureaucracy. Advancement or promotion in service are made through seniority or achievement or merit base. Then tenth one is the an official is separated from means of organizations. Alag, alag organization alag-alag officials kaam karte. Cannot use official property or facilities for his personal gain. Eighth one, all officials are subject to discipline and conduct rule Okay, frame for this purpose. Then administration is run on the basis of rationality which ensure maximum result from the invested resource of money, manpower and time. Then thirteen one is the compared to the administrative system of traditional and charismatic authority system bureaucracy is the most efficient pattern of administrative organization. और मेनली यही चीज़ें हमारे देश में भी यूज़ होते हैं आज भी ठीक है आज भी, आज भी मतलब यही मॉडल यूज़ होता है हम देखते हैं जो भी यूपीएससी क्लियर करता है या कोई भी जो अधिकारी बनता है या कोई भी एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो सभी चीज़ें उसके ऊपर ये लागू होते हैं ठीक है थीके? ये सभी के सभी ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है जो कि मेनली मैक्स वेबर ने दिया है ये सभी कैरेक्टरिस्टिक आज के समय में हमारे देश में भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है उसके ऊपर ये सभी के सभी रूल लागू होते सभी के सभी ये कैटिक लागू होते हैं ठीक है वेबर ऑब्जर्व दैट द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म हैज़ बीन अ अटलिस्ट टू द इवोल्यूशन एंड स्ट्रेटनिंग द ब्यूरोक्रेसी सो कैपिटलिस्ट इज इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्ड फॉर देयर मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इट शुड बी क्लियर देयर फॉर

जो मैक्स वेबर ने ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के जो कैरेक्टरिस्टिक बताया ठीक है थीके? जैसे कि सबसे पहले अथॉरिटी की बात हो गई ठीक है जो कि मेनली जो हायर पोजिशन पर रहता है वो अपनी अथॉरिटी अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट करता है ठीक है इसमें हेरारकी होगी देन इसमें क्या होगा जॉब की रिस्पॉन्सबिलिटी होगी सिलेक्शन प्रोसेस एकदम क्लियर कट होगा ओके एंड दी जो भी सिलेक्शन होगा वो किसी रूल एंड रेगुलेशन या रूल और प्रोसीजर के बेस पे होगा सीनियरिटी या वी कैन से मेरिट के बेस पे होगा स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए देन मेंबर ऑफ ब्यूरोसी इनको जो मनी के तौर पे इनको एक फिक्स सैलरी मतलब एक फिक्स सैलरी पे किया जाता है ओके okay, इनका जो ऑक्यूपेशन है वो मेनली कहा वो करते ऑफिस के अंदर देन उनके लिए करियर सिस्टम बनाया गया है थ्रू दी प्रोमोशन ओके देन ऑफिशियल सेपरेट फ्रॉम देयर यस ऑर्गनाइजेशन ओके मतलब अपनी जो भी प्रॉपर्टी जो भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी है उसको पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं कर सकते देन उनको डिसिप्लिन में रहना होता है जो भी कंडक्ट रूल फ्रेम किए गए उनके हिसाब से उन्हें काम करना होता है ओके okay? उनके साथ एकदम रैशनलिटी के साथ उनको सभी चीजें का सभी चीज़ें फॉलो करना होता है और वो चैरिस्मेटिक एंड ट्रेडि चैरिसमैटिक एंड ट्रेडिशनल जो एं अथॉरिटी है उससे अलग होते हैं ठीक है और सबसे बेस्ट तरीका क्या है दिस वन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज दी bureaucratic model of the max weber is the best one for the for the legitimacy in the administrative system okay so merit bureaucracy as has been noted above, an idea ideal type of bureaucracy is not found in actual or empirical situations it is, a imagining, it is an imagine system that that postulate a fully developed administrative system it is a utopia okay nevertheless most developed developed countries have tried to try to model their administrative system on weber bureaucratic model likewise most developing countries also aim to create bureaucratic system based on the weberian model okay so there are no doubt gap in the ideal type characteristic of the bureaucrat bureaucracies and their

इन्होंने भी इसकी कोशिश किया है ओके okay? मतलब जो वेबरियन टाइप वेबरियन टाइप जो मॉडल है इसकी तरह बनाने की लेकिन वाई इज द वेबरियन मॉडल एक्सेप्ट यूनिवर्सलिटी एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज द मोस्ट ऑल सोसाइटीज एंड नेशन देर आर अ फ्यू पॉजिटिव फीचर्स ऑफ ब्यूरो दैट मेक इट वर्दी अंग सुप्रीम पोजिशन अमॉन्ग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो अभी हम मेनली फीचर्स पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के वाट आर द फ्यूचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दैट विल मेक दिस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एक्सट्रीमली ठीक है बहुत अच्छा बनाता है क्यों बनाता है व्हाट आर द फीचर्स ओके दैट विल वो डिस्कस हियर ओके सर इट इज अ गवर्न बाय लॉ एंड रूल जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसका जो फर्स्ट फीचर्स है वो है इट इज़ गवर्न बाई द रूल एंड लॉ देन इट इज ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच ओके ये क्या है ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच So the bureaucratic system is highly efficient and rational, more than the administrative system of traditional and charismatic societies. So it prescribes a well-organized hierarchy of office. Okay, Specialized, specialization of knowledge in a given great importance. Okay, in given great importance, then specific job responsibility are determined for all persons. देन कंपेंसेशन सिस्टम सैलरी पेंशन ओके देन मेरिट इज द की फैक्टर इन इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल आर स्पीफ ओके स्पेसिफाइड इट लीड टू सोशल लेवलिंग वेयर इन ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेट दी अपॉर्चुनिटी टू कंपीट फॉर द ब्यूरोक्रेटिक पोजिशन सो इट डिसकरेज करप्शन तो इस तरह से इसके फीचर्स है मेन मेन फीचर्स है ऑफ़ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ये लॉ और रूल के बेस पे बनाया गया इसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है ये हाईली इफिशियंट होता है रैशनल के बेस पे होता है वेल well ऑर्गेनाइज होता है क्योंकि इसमें हेरार की सिस्टम होती है ठीक है और इसमें जो भी सिलेक्शन होता है दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्पेसि स्पेशलाइजेशन ओके सो इसकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी पर्सन इसमें अपॉइंट होते थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ओके उनका एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बाद इनको सैलरी पेंशन एज अ कंपेसनेट ग्राउंड पे मिलते हैं और इसमें जो भी पर्सन आते हैं वो मेरिट के बेस पे आते हैं और जो भी पर्सन रहेंगे वो डिसिप्लिन और रूल कंडक्ट रूल को फॉलो करना होता है ठीक है इस तरह से ये सो ये समाज के सभी वर्ग को एक मौका देता है ब्यूरोक्रेसी में जाने का ओके और एक करप्शन को डिस्करेज करता है सो दिस ऑल आर दी फीचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल देन इम्पैक्ट ओके व्हाट आर द इम्पैक्ट ओके ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मॉडलोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड डेवलप और डेवलपिंग हैव इंस्टीट्यूशनलाइज द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इन वन फॉर्म और अदर किसी ना किसी फॉर्म में हर चाहे तो डेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो हर कोई कंट्री इस मॉडल का यूज कर रहे ओके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इवन कंट्रीज विथ द मोनार्कियस ओके और वन पार्टी सिस्टम have adopted the basic features of bureaucratic structure and procedures okay? so there is diversity in the application of these features but the common to all pattern of governance so Weber bureaucracy is an ideal type and no real bureaucracy is expected to fully match it is applicable like in india under who are maximum jo bureaucratic model kijo features he, Oh, as used okay? in the government service as well as some of the features in the private job also it need to be restated that ideal type bureaucracies are not the real bureaucracies okay they are imagined system and inspire the develop development of a real life administrative system so there is a generally a reference to the weakness of bureaucracies in most of the countries these weaknesses are flow

ब्यूरोक्रेसी मॉडल के यूज़ किए जाते ओके सो okay? so, इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का इम्पैक्ट पड़ा है अलग अलग देशों में ये हमने कुछ फीचर्स देखा पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या होता है उसके क्या फीचर्स है ये हमने इसमें जाना ठीक है हमने मेरिट जाना ठीक है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का कि ये आइडियल टाइप होता है ठीक है अलग अलग चीज़ें हमने इसमें जाने की कोशिश किए और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्यूरोटिक मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग टाइप की कैरेटरिस्टिक है जो आज भी हमारे देश में भी यूज होते इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ओके बोथ सेक्टर तो ये था अलग अलग टाइप की जो वाट आर दी मतलब फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिटिमेसी किस बेस पे लेजिटिमेसी की जाती है ओके एंड दिस आर द थ्री मेन फैक्टर्स रैशनल ग्राउंड ट्रेडिशनल एंड कैरिसमेटिक अथॉरिटी ओके देन हमने पढ़ा मेनली ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ठीक है तो ये था चैप्टर नंबर टू ओके अभी हम पढ़ेंगे इसका कंक्लूजन ओके एट लास्ट देखिए ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप हो गया या डेवलपिंग हो गया हैव इंस्टीट्यूशनलाइज द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इन वन फॉर्म और द अदर इवन कंट्रीज विथ मोनार्की और ए और वन पार्टी हैव एडोप्टेड द बेसिक फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स ओके सो देयर इज डाइवर्स डाइवर्सिटी In the application of these features but the common to all pattern of governance so Weber bureaucracy is an ideal type no real bureaucracy is expected to full match it is applicable okay puri both but most of the countries are using most of the features okay in their administrative system so it need to be a restated that ideal type bureaucracy are not the इम्पेरिकल ओके रियल ब्यूरोसी दे आर इमेजिन सिस्टम दैट इंसपायर द डेवलप ऑफ द रियल लाइफ एडमिनीस्ट्रेटिव सिस्टम सो देर इज जनरली अ रेफरेंस टू द वीकनेस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन मोस्ट ऑफ द कंट्री द वीकनेस आर फ्लो नॉट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बट द कंडक्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ दैट कंट्री ओके इस तरह से हमने ये चैप्टर कवर किया ओके यूनिट नंबर टू नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर थ्री ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू बाय बाय